हेलो गाइस, वेलकम टू आज से अकाउंटिंग एज सर्विसेज। आज हम बात करेंगे एक्सेल के शॉर्टकट कीज के बारे में कि हम लोग कीबोर्ड की सहायता से एक्सेल की शॉर्टकट कीज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं अपने एक्सेल शीट के टोटल कॉलम्स और टोटल रोज के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको एरो शो हो रहा है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास टोटल रोज और टोटल कॉलम्स शो हो जाएंगे। 10,48,576 हमारी टोटल रोज हैं और 16,384 हमारे कॉलम्स हैं। ओके, अगर आप शीट नंबर 1 से शीट नंबर 2 पे जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करना पड़ेगा, तो आप शीट नंबर 2 पे पहुंच जाओगे। और शीट नंबर 2 से शीट नंबर 1 पे आना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करोगे तो आप शीट नंबर 1 पे आ जाओगे। अगर आपको फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना है तो उसके साथ आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट कॉलम से सिक्स कॉलम में आ जाओगे। देन अगर आपको कंट्रोल के साथ फर्स्ट एरो पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप एरो प्रेस करोगे तो सिक्स कॉलम से आप फर्स्ट कॉलम पे इजीली पहुंच जाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं अगर आपको किसी रो को अगर आपको हाइड करना होगा तो आप उसके लिए क्या प्रेस करोगे। तो आइए चलते हैं फिर। आप सपोज आपको एक थ्री वाली जो रो हमारी की आपको हाइड करनी है तो आप उसने इसे सिलेक्ट करा, उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा हाइड हो गया है। कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करोगे तो हमारा हाइड हो गया है। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हो तो देखिए, जैसे कि 3 हमारा 2 और 4 के बीच में आता है तो आप 2 और 4 वाले कॉलम को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे, 9 प्रेस करोगे तो आपका वो कॉलम जो है वो शो हो जाएगा। जो कॉलम और रो हमारी जो हाइड हुई थी वो हमारे शो हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं अगर आपको इसे बॉर्डर करना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ पहले आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को दबाइए तो इसलिए आपका ये सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट अगर आप इसे बॉर्डर करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस कर दीजिए तो ये आपका ये बॉर्डर हो चुका है। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल का यू प्रेस कर लीजिए तो आपका ये अंडरलाइन भी हो गया है। ओके, अगर हम इसे बाहर जाना चाहते हैं कंट्रोल लेट, देन ये नॉर्मल हो गया। ओके, स्लैश आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको लास्ट सेल से फर्स्ट में जाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यूमेरिक बटन्स के कीज को दबाओगे। जैसे कि अगर आपको डाउन में जाना है फर्स्ट से तो कंट्रोल प्लस 2 के साथ 6 प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट से 6 में आ जाओगे। अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो 6 प्रेस करोगे आप 3 में चले गए, लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में आना तो 4 प्रेस और अगर अप जाना है तो 8 प्रेस। ओके, देन अगर आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट एक साथ में सिलेक्ट करना है, जैसे आपने जितना लिखा आपको पूरा इतना सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे और अल्फाबेटिक का 8 प्रेस करोगे, जितना आपने लिखा आपका सिर्फ उतना ही टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो देखिए, जैसे ये हमारा है, ये है, हाँ, 6 का डी सेल में हमारा 3666 इस सेल में अगर आपको कॉपी करने कंट्रोल प्लस सी दबाइए, इसी नीचे लाइए कंट्रोल प्लस बी दबाइए, या आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस सी, आपकी वो जो चीज़ है वो कॉपी हो जाएगी। और अगर आपको जो ये ब्लिंक कर रहा है अगर इसमें एंटर मारोगे तो जो ब्लिंक किड्स है उसकी वो बंद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर आपको किसी चीज़ को ऊपर जैसे डुप्लीकेट करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 3666 और आपको इसे ही नीचे वाली रो में लाना है तो आप इसको डाउन की प्रेस करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए और ये 666 आ गया है। अगर आपको किसी डिजिट को डॉलर में चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस कर लीजिए
डॉलर का साइन जो हमारा बना हुआ होता है डॉलर के साइन में करोगे तो ये आपकी चेंज करेंसीज में चेंज हो जाएगी। ओके, और साथ करेंसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जीरो भी ऑटोमेटिक शो हो चुका है। अगर आप किसी भी डिजिट को परसेंटेज में देखना चाहते हैं जैसे 2666 है तो कंट्रोल के साथ स्विफ्ट प्रेस कीजिए एंड परसेंटेज का साइन परसेंटेज में प्रेस कीजिए तो देख सकते हैं ये इस आपकी परसेंटेज में शो हो गई है। ओके, अगर हम इसे अंडू कर लेते हैं ये देखिए कंट्रोल जेड कर हमने तो ये वापस पहले जैसा हो गया ये देखिए। ओके, नेक्स्ट अगर आपको शीट में आपने सपोज जैसे मैंने भी नॉर्मली समझाने के लिए 6 तक बनाया है, अगर आपने वर्कशीट में काफ़ी सारा काम कर रखा है और आपको कुछ ढूंढना है कुछ फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करोगे तो आपके सामने फाइंड का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको इसमें फाइंड बहुत आपको क्या फाइंड करना है पूरी वर्कशीट में तो आप वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपने कोई किसी का आपने अटेंडेंस चार्ट बनाया हो किसका नेम फाइंड करना है बच्चे ज़्यादा हैं तो आप उस चीज़ को भी नाम लिख के आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसे फाइंड करना है 4799 नंबर। ओके, तो हमने फाइंड व्हाट ने 4799 प्रेस करा फाइंड नेक्स्ट करा तो मेरी शीट में जहाँ पे 4799 है वो 4799 में जो सिलेक्टेड बॉक्स है वो चला गया। ओके, अब हम इसे क्रॉस करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को रिप्लेस करना है ओके कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे मैं आपको वापस वही विंडो खुल जाती है। अब आपको रिप्लेस क्या करना है सपोज जैसे 4799 है ठीक है तो पहले आपको फाइंड में रिप्लेस करने के लिए फाइंड में आपको डिजिट लिखनी पड़ेगी कि आपको कौन से डिजिट को रिप्लेस करना है। 4799 है तो अब अगर आपको 4799 को 4800 बनाना है तो आप उसके लिए रिप्लेस वाले में आप 4800 लिख देंगे और मेरी वर्कशीट में जहाँ पर भी 4799 लिखी होगी डिजिट तो उसकी जगह 4800 हो जाएगा। कैसे हमने ये दोनों फिल कर दिए और उसके बाद रिप्लेस ऑल कीजिए तो देखिए मेरी जगह पे जहाँ पर मेरी वर्कशीट में जहाँ पर 4799 था इस रो पे उस जगह क्या हो गया 4800 ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। ओके, देन अब आप देख सकते हैं जैसे हमारे ये रिबन शो हो रहे हैं इस रिबन को अगर आपको हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं वो रिबन जो है वो हाइड हो चुके हैं। अगर अब इसे अनहाइड करना है तो कंट्रोल के वापस F1 प्रेस कीजिए तो आपकी वो चीज़ अनहाइड हो चुकी है। अब आपको जैसे प्रिंट देना है तो कंट्रोल के साथ P हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट की कमांड आ जाती है। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको एक कंट्रोल के साथ P हमने प्रेस कर प्रिंट आ सकता है अगर आप कंट्रोल के साथ F2 भी प्रेस करते हैं तब भी आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।